I'm back with another video. तो आज की वीडियो होने वाली है अदनान भाई, हमारे पद्दू भाई के ऊपर। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो भी थी अदनान भाई के ऊपर, जिसको देखकर उनके फॉलोवर्स, उनके फैंस, जिन्हें वो अपने फैंस बताते हैं, वो इतने ज्यादा ट्रिगर्ड हो गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज्ञान देने लगे। अब भाई जैसा खुद है तो वैसे उसके फॉलोअर्स होंगे ना, छपरी और दुल्हन। एक तो रोस्ट कर रहे हो भाई, ऊपर से उंगली भी कर रहे हो। एक तो भाई देखो, ROST नहीं होता, ROAST होता है, ठीक है। और भाई अभी तो सिर्फ उंगली करी है, अगर ज्यादा वो करोगे ना तो पूरा हाथ दे देंगे। किसी को गलत जज नहीं करना चाहिए, एक्चुअली भाई जज कहना चाह रहे हैं। और भाई जज की स्पेलिंग JAJ नहीं होती, JUDGE होती है। अब जैसे लोगों को फॉलो करोगे तो वैसे असर पड़ेगा ना। तो भाई अगर इस छपरी को फॉलो करने की बजाय आप स्कूल गए होते तो आज रोज तो जज की स्पेलिंग सही लिख रहे होते। इसलिए कहते हैं बुरे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, बुरा असर पड़ता है। अच्छी चीजों को फॉलो करो, अच्छी चीजों से इन्फ्लुएंस हो, ऐसे आठवीं फेल दुल्लड़ों से नहीं। गजब बेइज्जती है। वैसे तो अदनान भाई अपने आप को अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा कूल और गैंगस्टर बनने की कोशिश करते हैं, गैंगस्टर का हैशटैग यूज करते हैं। लेकिन एवरीवन नो अदनान गैंगस्टर इन रियल लाइफ। एंड अदनान गैंगस्टर इन रियल लाइफ। भाई सड़कों पर पिटते फिरते हैं, भाई सड़कों पर पिटते फिरते हैं और दूसरों को मारने की धमकी देते हैं, साइकिल चोर। और हर चीज में उंगली करने की ना इनकी पुरानी आदत है, फिर चाहे वो एनसीआर वाला मैटर हो या फिर 2020 का यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला। पता होता नहीं आंड का, ज्ञान खोदने चल देते हैं ब्रह्मांड का। Money America. भाई बस इतना सा रह गया आज, वरना किस हो ही जाती, इतना सा गैप रह गया बस इतना। इनकी वीडियोस में हमेशा सिर्फ दो ही चीज रहती है, या तो ये जगह ही चेंज करते हैं या फिर कपड़े। और कंटेंट और क्वालिटी के नाम पे सिर्फ ये हटते हैं, ना ही इन पर लिपसिंग ढंग से होती, ना ही एक्टिंग। और खुद को इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, जो कि वो काम भी ढंग से नहीं कर पाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया दनान भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा रियल एक्टिंग। देखते ही आंखों से आंसू और टूटों से पसीने बहने लगे आपकी एक्टिंग देखते हैं दनान भैया, बहुत ही बढ़िया बात है जी। एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। अदनान भाई की एक्टिंग उतनी ही ज्यादा रियल है जितने कि इनके फॉलोअर्स। और मुझे पता चला कि अदनान भाई ने यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। जैसे ही मुझे पता चला कि अदनान भाई ने यूट्यूब चैनल बनाया है तो मुझे लगा कि भाई अब छोटे कंटेंट से, 30 सेकंड के कंटेंट से अब बड़े कंटेंट पे शिफ्ट होने वाले हैं, कुछ अच्छा बनाएंगे। जैसे ही मैं उनके चैनल पे गया तो मुझे क्या दिखता है, इन्होंने वहां भी रखा है, वहां पर भी सिर्फ रील्स ही अपलोड कर रखी है। हग दिया, अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई। और जितने पद्दू भाई के इंस्टा पर फॉलोअर थे ना, उसके 1% लोगों ने भी इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। लेकिन इंस्टा फॉलोअर्स रियल है बिल्कुल, इनकी लाइफ की तरह, इनकी पूरी लाइफ इनके फॉलोअर्स की तरह फेक है। अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं रहा और दूसरों को कॉल करके उखाड़ने की बात करते हैं।
देखे थे नल भाई, तेरी थके से वैसे ही पूरा यूट्यूब फिर से एक साथ आ गया। तेरी तरफ से कौन है? कोई भी नहीं। जैसे 2020 में आमिर सिद्दीकी अकेला खड़ा था, तू भी आज अकेला खड़ा है, लेकिन यूट्यूब फिर से एक साथ खड़ा है। और भाई देख, इसका नंबर निकाल, उसका नंबर निकाल, इसको धमकी दे, उसको धमकी दे, ये स्कूल के बच्चे करते हैं यार। ग्रो अप माय बॉय, ग्रो अप। चीजों को मैच्योर ढंग से देख, मैच्योर तरीके से हैंडल कर। अब हर चीज में उंगली करेगा तो भाई पूरा हाथ दे देंगे लोग। ये लोगों की रीत है और सदियों से चली आ रही है। और भाई देख, हमारी जैसे कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। मैं तो देख पहले भी कहा था, एज अ इंडियन मैं तो मजे लेने आया हूँ, मैं तो मजे लूंगा, मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है। ओ भाई, अगर तेरे पे कोई रोस्ट करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो तेरे से दुश्मनी है, तेरे पे कुछ अपना भड़ास निकाल रहा है तेरी। और एक्चुअली वो रोस्ट तेरे पे करता भी नहीं है यार, बंदा रोस्ट उसकी गलत चीजों पे करता है जिससे कि ताकि वो उसे ठीक कर सके, लेकिन तुम लोग उसे गलत वे में ले जाते हो और भाई बात इतनी से इतनी बड़ी हो जाती है। तू चाहता तो इस मैटर को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, तुझे चाहिए थी कॉन्ट्रोवर्सी, तो तूने भी। तो यो, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और शायद मेरी इस पर ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि इसके ऊपर कितनी वीडियो बना लो कोई फायदा नहीं है, और ना मेरी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी है जो मैं इसके ऊपर वीडियो पे वीडियो वीडियोस पे वीडियोस बनाता जाऊं। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं देखता हूं भाई तुम चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, मैं बोल बोल के थक गया, अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है बोल के। भाई अब तो कर दो सब्सक्राइब, अब तो कर दो यार, तुम क्यों अदनान बनना चाह रहे हो? तो चल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ, पकड़ के करवाओ, दूसरों का फोन लेके करवाओ, लेकिन करवाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज।